तो हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर के एग्जाम्पल 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कि ये वाला प्लेलिस्ट जो बनेगा वो न्यू एनसीईआरटी बुक के बेसिस पर बनेगा। और इस प्लेलिस्ट में जो हम सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल बनाएंगे, याद रखिएगा, यहां पर आप लोगों को हम एक एक कैलकुलेशन करके दिखा देंगे, ताकि आप लोगों का जो पिछला कुछ शिकायत था कि सर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देते हैं, हम कैलकुलेशन देखने के लिए ही आए थे, वो दूर हो जाएगा। हम एक एक चीज को यहां पर कैलकुलेटर के बिना हेल्प से हम यहां सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं अपने इस पहले सवाल से। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। समझिए, यहां पर सवाल कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, यानी कि C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन। कि कोई सॉल्यूशन मेरे पास में है बाबू, सॉल्यूशन अपने पास में यहां पर है, इस सॉल्यूशन में हम लोग जो है पानी में मिला दिए हैं इथिलीन ग्लाइकोल। पानी में क्या मिला हुआ है? इथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ है यहां पर, यही है इथेन 1,2-diol बच्चा, जिसको हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला C2H6O2 होता है। अब यहां पर यह सॉल्यूशन मिला है, कितना मिला है? तो ये सॉल्यूशन के अंदर में प्रेजेंट है 20% बाय मास में, यानी कि 20% बाय मास का मतलब हो गया बच्चा कि अगर ये सॉल्यूशन मेरा 100 ग्राम का होगा तो इसके 100 में 20 ग्राम हमारा इथिलीन ग्लाइकोल होगा, रेस्ट 80 ग्राम क्या होगा? पानी होगा। तो यहां पर हम लोग कह रहा है कि इस 20% को आप मोल फ्रैक्शन में बता दो कि इथिलीन ग्लाइकोल इस पानी के अंदर में कितना है मोल फ्रैक्शन में। तो ध्यान से देखना बच्चा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले एक बार वो देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन जब हम लोग निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी चीज का, तो मान लीजिए कि हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ए है और बी है। तो मान लीजिए यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो हम लोग ए के मोल को लिखते हैं बाय टोटल मोल करते हैं यहां पर ए प्लस बी का मोल, तो ये ए का मोल फ्रैक्शन निकलता है। वही बी का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यहां पर बी का मोल लेंगे, नीचे में टोटल मोल ले लेते हैं। लेकिन एक और तरीका है कि बी का मोल फ्रैक्शन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1 - a का मोल फ्रैक्शन। ये तो आपने थ्योरी में पढ़ा है ना, पढ़ा। अब देखिए यहां पर, तो हम लोग सबसे पहले मोल हम लोग को निकालना पड़ेगा, तभी तो मोल फ्रैक्शन आएगा। मोल निकालने के लिए हम लोग को चाहिए मास, मास तो दिया नहीं है, तो हम मास मान लेते हैं भाई, क्योंकि 20% हमारा सॉल्यूशन कह रहा है कि ये 20% है। 20% का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा सॉल्यूशन जो है, अगर हमारा सॉल्यूशन 100 ग्राम का हुआ तो यहां पर जो है हमारे पास जो इथिलीन ग्लाइकोल का मास आएगा, मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल जो आएगा वो आ जाएगा हमारा 20 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम में 20% 20 ग्राम ही होता है, तो 20 ग्राम हमारा इथिलीन ग्लाइकोल का मास आ गया। आ गया। अब देखिए यहां पर मास जो बचा, रेस्ट किसका? वाटर का जो मास बचा वो कितना हो गया हमारा? 100 में जब 20 इथिलीन ग्लाइकोल है तो वाटर कितना हो जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। अब अगर इनके मोल की हम बात करें बच्चा, तो मोल हम लोग निकालेंगे, तो मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल के लिए तो हमको चाहिए पहले मोलर मास, तो हम लोग पहले निकाल लेंगे मोलर मास। किसका मोलर मास? तो निकालेंगे बच्चा पहले हम लोग मोलर मास ऑफ किसका? इथिलीन ग्लाइकोल, यानी C2H6O2 का हम लोग निकालेंगे मोलर मास। कैसे निकलेगा? तो यहां देखिएगा, एक कार्बन का मोलर मास कितना होता है? हाँ, 12 होता है सर। 12, दो कार्बन है तो 12 दुनी कितना हो गया? 24 हो गया। प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 6 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16। दो ऑक्सीजन कितना हो गया? 32 हो गया ना। तो यहां पर हो गया 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 32 कितना हो गया सर? 62 हो गया। हुआ 62 ना, देखो तो 12 दुनी 24, 24 छ 30, 30 32 कितना हो गया? 62 हो गया, है ना। 30 32 62, ये 62 ग्राम पर मोल किसका मोलर मास आ गया? इथिलीन ग्लाइकोल का आ गया। क्लियर। अब यहां पर वाटर का मोलर मास भी देख लेते हैं। मोलर मास ऑफ क्या चीज? मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो दो हाइड्रोजन का हो गया 116, तो 2 + 16 कितना हो गया? 18 ग्राम पर मोल ये हाइड्रोजन का हो गया। अब देखिए यहां पर, जब आपने मोलर मास निकाल लिया है तब आप हम लोग मोल निकाल सकते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का होता है फॉर्मूला वेट बटे मोलर वेट, वेट बटे मोलर वेट। तो यहां पर किसका मोल निकालेंगे? इथिलीन ग्लाइकोल का मोल निकाल लेते हैं पहले। तो मोल निकालने के लिए क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल का वेट कितना हम लोग लेके चल रहे हैं? 20 ग्राम
बाय मोलर वेट कितना हो गया बाबू, 62 हो गया। अब देखिए 20 बटे 60 रहता तो ये 1 बटे 30 हो जाता, और सॉरी 20 बटे 60 रहता तो 1 बटे 3 हो जाता, जिसका रिजल्ट 0.3333 आता। अब 60 से थोड़ा सा ज्यादा है, 62 है ना, तो जब आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे तो अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। 60 से थोड़ा सा ज्यादा 62 है, तो रिजल्ट जो है 0.33 से थोड़ा सा कम आएगा, लगभग में 0.32 ले लेंगे, इतना तो कर सकते हैं हम लोग ना, ये मोल आ गया। अगर आप अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, लेकिन आपके पास एग्जाम हॉल में बस यही उपाय रहेगा, हैवी कैलकुलेशन में बस अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है, कॉमन सेंस लगाना है, अपने आप कैलकुलेट होगा, जहां पर कैलकुलेशन देने लायक होगा वहां डिवाइड करेंगे, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, कॉमन सेंस, ठीक है। वही हम वाटर का यहां पर मोल निकालेंगे बच्चा, तो वाटर कितना ग्राम लिए हुए हैं, 80 ग्राम लिए हुए हैं वाटर, 80 बटे कितना हो जाएगा, 80 बटे 18 हो जाएगा, तो ये हो गया 40, ये हो गया 9, यहां पर लगभग हो गया 9 चौके 36, ये 4.44 इतना आते जाएगा, तो ये हो गया 4.44 मोल। तो दोनों का मोल निकल गया ना, अब जब दोनों का मोल निकल गया तो मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, इथिलीन ग्लाइकोल का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है, इथिलीन ग्लाइकोल हमें निकालना है। तो जरा देखिए, जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल लेते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल का मोल कितना है, 0.32 है, बाय टोटल मोल लेते हैं तो टोटल मोल में 0.32 भी है, टोटल मोल में 4.44 भी है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, 0.32 डिवाइड करेंगे, यहां पर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 4 2 6 हो गया, 4 3 7 हो गया, ये पॉइंट में 4 रहेगा। अब यहां पर देखिए जरा सा, हम इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो यहां देखिएगा जरा सा, यहां पर 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल है, खत्म हो जाएगा डेसिमल, डेसिमल खत्म हो गया, तो यहां 32 बटे कितना हो गया, 476। कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई कितना करेंगे, यहां पर ये हो जाएगा हमारा 16, 2 से क्या 4 से कट जाएगा, नहीं 4 से 8 बार में कटेगा, 4 से ये हो गया 1, 4 से ये हो गया हमारा कितना बार में, एक बार में ये 4 कटा, फिर हो गया 4 1 4 4 9 36, यानी कि 8 बटे कितना आ गया, 119। आप चाहेंगे तो एग्जाम हॉल में यहां भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो चाहेंगे तो डेसिमल में इसको निकाल सकते हैं। डेसिमल में निकालने के लिए क्या तरीका होगा, डेसिमल में निकालने के लिए तरीका ऐसा होगा, सिंपल देखिएगा, यहां पर जरा सा हम यहां क्वेश्चन को हम यहां से रिमूव कर रहे हैं, हम यहां पर आपको बता रहे हैं, आप कमेंट जरूर बताइएगा कि इतना करना आपके लिए सवाल में जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ठीक है, नहीं तो हम आंसर यही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 बटे 119 को देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, हम चाहेंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां 100 से डिवाइड भी 100 से कर सकते हैं, जिससे क्या होगा 800 बटे कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। देखिए जरा सा, यहां पर 119 को अगर हम 800 में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना बार में, तो ये हो जाएगा हमारा लगभग 6 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 9 6 54 हो गया, 6 5 11 6 और यहां पर 1 7 हो गया, तो ये हो गया हमारा 10 में से 4 गया 6 हो गया, 10 9 से 1 गया तो 8 हो गया, यहां पर ये कैंसिल। अब देखिए डेसिमल दिए तो यहां पर कितना आया, 0 आ गया, ये लगभग कितना बार में जाएगा, ये लगभग ये भी 6 बार में जाएगा, नहीं 6 बार में जाएगा तो 714 होता है, एक बार हम 7 बार में लगा देते हैं, 7 बार में कितना आ जाएगा, 7 बार में लगभग आएगा तो कितना आएगा, 9 से 63 आ जाएगा, 7 6 13 आ जाएगा, 7 1 8 आ जाएगा, ठीक है, तो 6.7 लगभग आया है, कितना आया है, 6.7 लगभग आया है, 6.7 लगभग आया है। डिवाइड में देखो, देखो यहां पर पहले से कितना रखा हुआ है, यहां पर 100 रखा हुआ है पहले से, तो ये 100 के कारण से डेसिमल यहां पर जाएगा 6 7 के 2 डिजिट के बाद, तो यानी एक ये हो गया, एक डिजिट यहां पर हो गया, तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, ये हो गया इथिलीन ग्लाइकोल का। आप देखिए बिना कैलकुलेटर का यहां पर हम सॉल्व कर दिए, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा होगा यहां पर, है कि नहीं है। अब इसका मोल फ्रैक्शन आ गया तो क्या वाटर का मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते हैं, वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बच्चा, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सर, 1 में से हम माइनस कर देंगे 0.067, यानी 1 में से हम माइनस कर देंगे इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन, तो हमें दूसरे वाले यानी वाटर का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो यहां माइनस करने जाएंगे, 10 में 7 जाएगा तो ये 3 होगा, 9 में 6 गया तो ये 3 होगा, फिर ये 9 रह जाएगा, 0.933 हमारा ये आंसर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन का। तो एक का इथिलीन ग्लाइकोल का मेन आंसर आया 0.067, और जो हमारा क्या कहते हैं वाटर है जिसका नहीं भी पूछा था, उसका मोल फ्रैक्शन तुरंत ही आसानी से निकल गया 0.933।
क्या ये यहां तक समझ में आ गया ना? अब कमेंट में तुम लोग जरूर बताना, अगर वीडियो में थोड़ा सा मेहनत तुमको दिखा है जरूर बताना कि इतना करने का जरूरत है कि नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि इससे थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है और हम विदाउट कैलकुलेशन के, विदाउट पहले से ही हम कैलकुलेट नहीं करके रखे हैं, इस बार आपके सामने में हम कैलकुलेट करेंगे। इस प्लेलिस्ट का बनाने का उद्देश्य मेरा यही है, क्योंकि पहले वाला वीडियो सब में आपने बहुत कमेंट किया कि सर कैलकुलेशन आप पहले से करके आते हैं हैवी न्यूमेरिकल्स में, तो आप लोग के लिए हम यहाँ पर पहले से नहीं करके ला रहे हैं, सामने में हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने वाले हैं। इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं, जय हिंद।